रीज इंडिया के सभी नर्सिंग स्टूडेंट का आज की क्लास में बेटे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम पिछले दो सेशंस में हमने हीमोपोएटिक सिस्टम के बारे में ही बातचीत कर रहे थे, तो जैसे हमने कल जो पढ़ा था वो हमने रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में हमने आप डिस्कशन किया था, और यही मैंने आपको समझाया था कि ये जो ब्लड में सेल्स होते हैं ये तीन तरह के हैं। रेड ब्लड सेल्स जिनको हम आरबीसी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, या हम इनको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। बेटे जो ल्यूको वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है व्हाइट। ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, जैसे किसी की स्किन भी व्हाइट होती है तो उस डिजीज को ल्यूकोडर्मा कहते हैं। डर्मा मैंने स्किन, ल्यूको मैंने व्हाइट, ठीक है ना। तो तीसरे जो कण है वो हमारे प्लेटलेट्स हैं। अब हम जरा सा 5 मिनट के लिए रिवाइज करते हुए, आरबीसी में हमने पढ़ा था जो लिक्विड होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है और उसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हीम का मतलब होता है कलर, ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन। तो अगर हम चाहें कि हमारा हीमोग्लोबिन अच्छा हो, 12 से 14 ग्राम के बीच में हो, तो हमारी डाइट में कौन सी चीज ज्यादा होनी चाहिए? वो सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां जिसमें आयरन है। तो हमें ये पता है कि आयरन कौन कौन सी सब्जी में होता है, पत्तेदार सब्जियां, पालक है, मेथी है, बथुआ है, सरसों का साग है। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जैसे कि जिसमें आयरन होता है, जैसे सेब है, पर हम उन चीजों को नॉर्मली अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं जिसकी कॉस्ट वाइज भी कीमत कम हो। क्योंकि तो अगर मैं बहुत वो चीजें बताएं जो बहुत कॉस्टली हैं तो कई लोग खा पाएंगे, कई लोग नहीं भी ले पाएंगे। चुकंदर भी होता है ना मैम? चुकंदर भी हाँ, काफी। भी होता हाँ है हाँ ओके। हाँ हीमोग्लोबिन। तो बिल्कुल। हीमोग्लोबिन जो है हमारे रेड ब्लड के साथ है, और रेड ब्लड सेल्स का क्या काम है, ये हमारे बॉडी में जितना भी सामान चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, ये उनको ले जाने वाला वाहक है। तो अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन अच्छा होगा तो ये ऑक्सीजन अपने साथ अटैच करके जिन जिन पार्ट्स में चाहिए फटाफट पहुंचाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको मैंने बताया था कि एक मान लो घोड़ा है, अगर वो ताकतवर है तो फटाफट गैलप्स लेते हुए जल्दी पहुंचेगा, और जो पहले ही थका हारा है वो बेचारा क्या चलेगा। तो इसीलिए हमारा हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए। गर्भवती महिला का भी इसीलिए बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है उसको माँ से ही ब्लड मिलता है। तो अगर माँ कमजोर होगी तो गर्भ में पल रहा बच्चा भी कमजोर होगा, और डिलीवरी के बाद ये बच्चे आमतौर पे कमजोर रहते हैं, और ज्यादा ये मतलब जो बच्चे तंदुरुस्त होते हैं वो अपनी लाइफ में आगे फटाफट बढ़ते हैं। तो इसीलिए गर्भवती महिला को भी हम आयरन की गोलियां खाने को देते हैं। आजकल देखा होगा स्कूल में भी लड़कियों को जो मिडिल क्लास के बाद क्लासेस में होती हैं, जिनको पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, वहां स्कूल में भी आयरन की गोली खाने को मिलती है। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब दूसरा हमारा था व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर के रक्षक, रक्षक मीन्स हमें हमें शरीर में अगर हमारे बीमारी कोई आ जाती है तो ये उनके साथ फाइट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे शरीर के रक्षक हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल्स जैसे कोई हमारे शरीर में कीटाणु आते हैं, ये इनको दिबोच के खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे कल बताया था कि जैसे कहीं वारदात हो जाए तो पुलिस का नंबर बढ़ जाता है ना। वैसे एक दो पुलिस वाले आपको घर के आसपास घूमते नजर आएंगे, पर आजकल आप देखो तो सड़कों पे कितनी पुलिस है। वो किस लिए है कि कोरोना इतना ज्यादा फैला हुआ है। तो अगर किसी के शरीर में कोई भी कीटाणु जाते हैं तो ये हमारे बॉडी के सेफ गार्ड है जो कि हमें बीमारियों से बचाते हैं, तो इनका नंबर बढ़ जाता है। तो तभी अगर कोई इंसान कहता है कि मेरी आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती, तो डॉक्टर उसको कहते हैं अपने ब्लड का टेस्ट करा लो, जिसको कहते हैं TLC। टी मीन्स टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो अगर तो नॉर्मल की रेंज में है तो इसका मतलब बीमारी के कीटाणु नहीं है, अगर ये नंबर बढ़ जाता है तो इसका मतलब हमारे शरीर में कोई बीमारी है। तो पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मुझे इससे क्या लेना देना, मुझे तो ठीक करो, मेरी तो तबीयत खराब है। तो TLC से हमें ये पता चलता है कि शरीर में बीमारी है कि नहीं। और दूसरा कौन सा है, DLC, डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंट मैंने अलग अलग, तो इसका उदाहरण मैंने आपको उंगलियों का दिया था, जैसे हाथ में उंगलियां 5 होती हैं
और पांचों का नाम अलग अलग है, तो डिफरेंट है। उंगलियां एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है, इनकी रूप रेखा एक दूसरे से अलग है और इनका काम भी अलग है। इसी तरह हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये पांच तरह के हैं, जो मैंने आपको कल बताया था, पॉलीमॉर्फ, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, मोनोसाइट और बेसोफिल। तो इन पांचों का अलग अलग काम है। तो पॉलीमॉर्फ हमारे शरीर में तब बढ़ते हैं जब हमारी बीमारी कुछ ही दिनों की हो, या मैं ऐसे बोलूं, अगर हमारी बीमारी कुछ दिनों की होगी तो ब्लड में पॉलीमॉर्फ सेल्स बढ़ जाएंगे। अगर बीमारी लंबे समय से है तो हमारे कौन से सेल्स बढ़ेंगे, लिम्फोसाइट। और इओसिनोफिल कब बढ़ते हैं, जब हमारी बीमारी का कारण एलर्जी होती है। बेसोफिल और मोनोसाइट इमेच्योर सेल्स हैं, जो बॉडी में ब्लड में नहीं आते जब तक कि वो मैच्योर नहीं हो जाते। तो इन्हीं इमेच्योर सेल्स से बाद में जाके पॉलीमॉर्फ लिम्फोसाइट या दूसरे सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो अगर उदाहरण के लिए एक पेशेंट कहता है, डॉक्टर साहब मुझे बड़ी खांसी हो रही है, बलगम भी आती है, मेरे पड़ोस में एक पेशेंट है उसको टीबी की भी बीमारी है, मुझे डर लगता कहीं मुझे तो नहीं टीबी हो गई, तो मैं उसको कहती हूँ अपना ब्लड टेस्ट करा लो। तो कौन सा वाला भेजूंगी, डीएलसी, डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट। तो मुझे पता है कि जो टीबी है वो लंबे समय से चलती है, 3 या 4 हफ्ते से, तो कौन से वाले सेल्स है जो लंबी बीमारी होने से बढ़ जाते हैं, लिम्फोसाइट। तो अगर मैं पेशेंट का ब्लड टेस्ट कराती हूँ और उसमें लिम्फोसाइट काउंट बड़ा आता है तो मुझे शक पड़ेगा कि इसको कहीं ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, यानी टीबी की बीमारी तो नहीं। पर अगर उसकी खांसी कहता है कि थोड़े दिनों से है पर उसमें लिम्फोसाइट ज्यादा नहीं आते, पॉलीमॉर्फ या इओसिनोफिल ज्यादा आते हैं, तो मुझे ये होगा कि नहीं, इसको टीबी नहीं है, क्योंकि टीबी में व्हाइट ब्लड सेल्स कौन से बढ़ते हैं, लिम्फोसाइट। और इओसिनोफिल अगर ज्यादा बढ़ के आते हैं तो वो कब बढ़ते हैं, जब एलर्जी हो। तो पेशेंट को मैं कहूंगी आपकी खांसी का कारण किसी चीज से एलर्जी है, तो हम फिर वो ढूंढेंगे कि कौन सी चीज से एलर्जी है, धूल से एलर्जी है, फूलों के पराग से एलर्जी है, या किसी गेहूं की जो हस्क भूसी होती है वो हवा में उड़ रही है उसकी वजह से है, या घर में अगरबत्ती चलाते हो उसकी वजह से खांसी है, सूखी खांसी उठ रही है। तो डीएलसी से हमें पता चलता है कौन सी बीमारी है, और टीएलसी से ये पता चलता है कि हमारे शरीर में बीमारी के कीटाणु हैं या नहीं। अब इसके बाद जो हमारे तीसरा कण जो हमने सेल्स पढ़ने थे वो है प्लेटलेट्स। तो अब प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है, आरबीसी का भी हमने पढ़ लिया, लिम्फोसाइट व्हाइट सेल्स का भी पढ़ लिया, जो प्लेटलेट्स है इसके आगे लिख लो, इसका फंक्शन है ब्लीडिंग को कंट्रोल करना। तो प्लेटलेट का क्या काम है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करना। तो जो हमारे शरीर में खून का बहाव होता है, जैसे उंगली कट जाए तो ब्लीडिंग अपने आप बंद हो जाती है, तो वो कैसे बंद होती है, जिस जगह पे कट लगा है वहां पे प्लेटलेट्स जाके जम जाते हैं, तो उस सुराख को बंद कर देते हैं। फिर उसके ऊपर फाइब्रिन आ जाता है, जो रेशे मैंने बताए थे, और उसके बाद फिर एक सिमेंटिंग मटेरियल जो लिवर से आता है वो लग जाने से ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि प्लेटलेट्स जो हैं हमारे शरीर के ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं। तो आप अब खुद सोचिए, अगर किसी पेशेंट का कोई ऑपरेशन होना है तो क्या हमें प्लेटलेट काउंट नहीं पता होना चाहिए। अगर उसका प्लेटलेट काउंट कम है तो नेचुरल ऑपरेशन के टाइम में जो ब्लीडिंग होगी वो जल्दी बंद नहीं होगी। इसीलिए बेटे हमारी एक बीमारी ऐसी है जो बड़ी खतरनाक है, जिसमें बड़े लोगों की डेथ हो जाती है, वो कौन सी है, मच्छर के काटने से होती है, डेंगू। आपने सुना होगा ना डेंगू बीमारी। तो डेंगू में पेशेंट की डेथ क्यों हो जाती है, डेंगू में बहुत तेज बुखार आता है, बिल्कुल मलेरिया की तरह जाड़ा भी लगता है। तो अगर मेरे को मलेरिया हो तो नेचुरल मैं कोई नैन की गोली खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी, पर अगर मुझे डेंगू है तो कुनैन की गोली से थोड़ी ठीक हो जाके होगी, डेंगू बुखार वायरस की वजह से। तो घर के लेवल पे मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ये मलेरिया है या डेंगू है, क्योंकि तो हम एकदम थोड़ी बुखार आया तो डॉक्टर के पास या लेबोरेटरी में चले जाते हैं। तो घर के लेवल पे बेटे हमारे पास एक संकेतिक लक्षण है, यानी एक सिम्टम है, जिसको घर के लेवल पे भी आप देख सकते हो अपने शरीर पे,
तो आपको पता चल जाता है कि हो ना हो ये डेंगू की बीमारी है, मलेरिया नहीं है। क्योंकि मलेरिया और डेंगू मच्छर के काटने से होता है, दोनों में बहुत तेज बुखार आता है और दोनों में जाड़ा भी लगता है। तो आप कहेंगे मैडम वो कौन सा सिम्टम है जिससे पता चलेगा कि पेशेंट को डेंगू बीमारी है? तो बेटे आप देखोगे घर में एक हमारे जैसे धनिया और ऐसे हमारे और स्पाइसेस होते हैं गर्म मसाले, तो उसमें एक चीज होती है राई, लाल दाने होते हैं उसके छोटे छोटे से राई, या आप बजरी समझ लो जो लाल रंग की बजरी होती है। तो अगर हम शरीर पे अपना कपड़ा उठाएं पेट के ऊपर या छाती के ऊपर, तो अगर हमें वहां लाल लाल से छोटे छोटे दाने नजर आए जो खाल के नीचे हैं, खाल से ऊपर उभरे हुए नहीं है, खाल से ऊपर हो तो हम कहते हैं कहीं खसरा तो नहीं है, पर ये दाने कैसे होंगे? खाल के नीचे बिल्कुल खाल हमारी मुलायम होगी और नीचे हमें लाल लाल रंग के छोटे छोटे धब्बे से नजर आएंगे, जैसे किसी ने बजरी बिछा दी हो या राई के दाने बिछा दिए। तो अगर हमारे शरीर पे ये दाने नजर आ जाएं, तो इसका मतलब पेशेंट को कौन सी बीमारी है? डेंगू की बीमारी। तो फिर हम इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो ये इसको लाल रंग के दाने क्यों बन गए? क्योंकि हाई फीवर होने से जो हमारे खून की नाड़ियां हैं उनमें से जो वायरस है वो क्या करता है, उसमें सुराख कर देता है नाड़ियों में, जिससे प्लेटलेट सारे बाहर आ जाते हैं और हमें लाल लाल रंग के धब्बे नजर आते हैं। तो अब पेशेंट के शरीर में किस चीज की कमी हो जाएगी? प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट की कमी से क्या हो जाता है? ब्लीडिंग। तो पेशेंट को नाक से भी खून आएगा, पेशाब में भी खून जाएगा, लैट्रिन के रास्ते भी खून जाएगा। तो इतना खून अगर उसके शरीर से बाहर निकल जाएगा तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। समझ आया? तो इसीलिए जब हम रेंज बता दीजिए प्लेटलेट का कितने से कितने नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल वो आपको बता दूंगी 2.5 से लेके 4 लाख तक होती है, पर हम बॉर्डरलाइन 1.5 लाख भी लेते हैं, ठीक है। जितने प्लेटलेट्स कम होते जाएंगे उतना खतरा बढ़ता जाएगा। अब मैं इसको ही थोड़ा सा आगे आपको और समझा रही हूँ। तो अगर सपोज करो इस पेशेंट को हमने ये लाल लाल धब्बे देखे और मैं वहां डिस्पेंसरी में या लेबोरेटरी में लेके जाती हूँ, तो पेशेंट को मैं उनको क्या बोलूंगी कि पेशेंट का क्या टेस्ट करना है? मैं कहूंगी इसका प्लेटलेट काउंट टेस्ट कर दो। क्या कहूंगी? प्लेटलेट की कितनी गिनती है इसके शरीर में। तो मान लो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसकी इस टाइम गिनती 1,50,000 है, ठीक है। तो मैं उसके रिश्तेदारों को बताती हूँ कि इसकी प्लेटलेट की इसके शरीर में कमी होती जा रही है। अगर मैंने उनको ये बताया, अब मैं 2 दिन बाद या 1 दिन बाद दोबारा टेस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे उसके प्लेटलेट कम हैं या बढ़ रहे हैं या मरीज ठीक हो रहा है, कैसे पता चलेगा? प्लेटलेट के काउंट से। अब मैं दूसरे दिन उसका प्लेटलेट काउंट करती हूँ तो पता चला 1 लाख ही सिर्फ रह गया, 50,000 और कम हो गए। तो पेशेंट की कंडीशन सुधर रही है या खराब हो रही है? इसका मतलब पेशेंट की कंडीशन खराब हो रही है। तो मुझे पेशेंट के रिलेटिव्स को बताना पड़ेगा ना, नहीं तो वो कहेंगे मैडम आपने तो हमें बताया नहीं, हम तो मरीज कहीं और ले जाते, हमारा मरीज इतना सीरियस हो रहा है। तो और वो मेरे से लड़ेंगे भी। एक तरफ तो आप कहते हो कि इसके शरीर में प्लेटलेट की कमी है और रोज आप ब्लड भी टेस्ट के लिए ले लेते हो, तो उनको समझाना पड़ता है कि ब्लड तो हम सिर्फ 1 cc के करीब ही लेते हैं, कोई टेस्ट ट्यूब भर के थोड़ी लेनी है। पर जब तक मैं इसका प्लेटलेट काउंट नहीं करूंगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि मरीज की कंडीशन सुधर रही है या बिगड़ रही है? समझ आया? तो प्लेटलेट्स जो हैं हमारे शरीर में ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए डेंगू का पेशेंट की डेथ किस वजह से होती है? डेंगू का जो वायरस है वो प्लेटलेट्स को कम कर देता है और कमी होने से शरीर में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो आप खुद सोचिए, अगर इस पेशेंट के शरीर में प्लेटलेट का काउंट कम हो गया तो मुझे फिर पेशेंट को कैसे ठीक करना है? मुझे उसको प्लेटलेट्स चढ़ाने हैं। तो प्लेटलेट्स कहाँ से मिलेंगे? ब्लड में। तो ये बेटे बिल्कुल ऐसे समझो, मान लो किसी की चाय में चीनी कम है तो आप चीनी तो डालोगे ना, 1 कप चाय थोड़ी डाल दोगे। तो अब हमारे ब्लड में क्या क्या चीजें थी? एक तो प्लाज्मा था लिक्विड पार्ट, दूसरा रेड ब्लड सेल्स थे, तीसरा WBC थे, तीसरा प्लेटलेट थे। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, जिस भी पेशेंट का डोनर होगा उसका ब्लड ग्रुप वही होना चाहिए जो पेशेंट का है।
तो इसीलिए इस क्लास के बाद में आपको ब्लड ग्रुप के बारे में भी पढ़ाऊंगी। तो मान लो उस हमारे चार वैसे ब्लड ग्रुप होते हैं समझने के लिए, तो अगर पेशेंट का जो ब्लड की निशानी ए है तो उसको जो प्लेटलेट चढ़ेंगे वो भी ए ग्रुप के ही चढ़ेंगे, बी के नहीं चढ़ सकते, बी के चढ़ेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। तो आप ये सोचिए कि अगर मेरे से वो ब्लड मांगते हैं तो अगर मैं पूरी बोतल अपनी ब्लड दे दूं या प्लेटलेट्स दे दूं तो मेरे शरीर में नहीं प्लेटलेट की कमी हो जाएगी। तो इसमें ऐसे ही होता है, चार पांच डोनर से हम अलग अलग प्लेटलेट्स ले लेते हैं और पेशेंट को क्या चढ़ाएंगे, प्लेटलेट्स। तो वो क्या करते हैं डॉक्टर्स, एक बॉटल लेके उसमें से प्लेटलेट्स को छान लेंगे और जो बाकी का ब्लड है या तो हम पेशेंट जिसे डोनर से लिया है उसी में ही वापिस डाल देते हैं, या हम किसी और पेशेंट को जिस जो जल गया है उसको प्लाज्मा की जरूरत है तो इस पेशेंट के जो बोतल हमने ली उसका प्लाज्मा उसको दे देंगे, किसी का हीमोग्लोबिन कम है तो उसको वो चीज दे देंगे, पर जिसके अंदर प्लेटलेट्स कम है उसके अंदर हम प्लेटलेट्स ही चढ़ाएंगे, ठीक है। और प्लेटलेट्स कौन से ग्रुप के होने चाहिए, सेम ग्रुप के होने चाहिए। तो इसमें मान लो आज मैंने एक बोतल चढ़ा दी प्लेटलेट्स की या जितनी भी चढ़ानी है वो चढ़ा दिए, अब पेशेंट के प्लेटलेट्स नॉर्मल आ गए, ठीक है, पर वायरस तो अभी भी अंदर है। जो डेंगू का वायरस है बेटे ये हमारे शरीर में 6 से 7 दिन तक रहता है, उसके बाद अपने आप मर जाता है। कोरोना की तरफ नहीं है कि इतनी लंबी उसकी लाइफ है कि मरता ही नहीं है, तो जो डेंगू का वायरस है ये अपने आप 6-7 दिन के बाद मर जाए। तो अगर मैंने दूसरे दिन इसको प्लेटलेट चढ़ाए तो अभी तो और 4 दिन बाकी है ना, तो 4 दिन के बाद देखती हूँ अब फिर प्लेटलेट काउंट कम होना शुरू हो रहा है, फिर मुझे एक बोतल प्लेटलेट्स की चाहिए। तो आप सोचिए जरा हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा सेम ब्लड ग्रुप के डोनर्स को ढूंढना। तो इससे अच्छा ये नहीं कि हम अपने शरीर की देखभाल रखें, जैसे आजकल कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, तो इसी तरह जिस दिन बरसात का मौसम होता है मच्छर बहुत होते हैं तो उस टाइम हमें इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि हमारे घर में मच्छर ना हो, खासकर डेंगू वाला या मलेरिया वाला, तो हम उसकी रोकथाम का सारा प्रबंध करके रखें। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, मतलब रोकथाम हमेशा ज्यादा अच्छी होती है बनिस्पत बीमार पड़ो फिर उसका इलाज करो। तो डेंगू के बारे में बेटे अब जब हम बीमारियां पढ़ेंगे कि इंसेक्ट से होने वाली बीमारियां यानी कीट पतंगा से होने वाली बीमारियां, तो उस टाइम हम ये पढ़ेंगे मलेरिया भी पढ़ेंगे, डेंगू भी पढ़ेंगे, एक और बीमारी है जो मच्छर के काटने से होती है जिसको एलिफेंटाइसिस कहते हैं या हाथी पांव। एक बार सड़कों पे देखा होगा ना किसी रेड़ी में डाल के किसी व्यक्ति को बिठा लेते हैं, उसकी टांग बिल्कुल हाथी की तरह मोटी है, है ना, तो वो भी मच्छर के काटने से होती है। कई लोग कहते हैं उसका इलाज नहीं है पर उसका इलाज है। तो हम जब मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियां पढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ बोलो। मैम ये जो हाँ एक क्वेश्चन था कि प्लेटलेट जब भी हम किसी को किसी ग्रुप में सेम ग्रुप हो उसके अनुसार से हम देते हैं, उसके मैच करने चाहिए ब्लड बैंक से या फिर उसका मैच करे ह्यूमन बीइंग से उससे देते हैं, लेकिन प्लेटलेट कितना भी चढ़ता है मैम ये प्लेटलेट टूट क्यों जाता है उसके शरीर में? वो प्लेटलेट्स टूटता नहीं है, ये जो वायरस है ना ये इसको कम कर देता है, जो ब्लीडिंग अच्छा, होके शरीर ब्लड वेसल से बाहर आ जाती है। जैसे किसी में छन्नी में कोई चीज हो तो अगर छन्नी में सुराख है जैसे तो नीचे ही तो चीज निकल जाएगी ना शरीर से, जैसे वो टिश्यूज में आता है इसीलिए लाल लाल धब्बे दिखाई देते हैं। और अगर वो लाल लाल धब्बे ठीक हो जाएंगे तो इसका मतलब अब प्लेटलेट ब्लड से निकल नहीं रहे हैं, अब ये ठीक हो रहा है। और ज्यादा हम साइंटिफिक वेट क्या लेते हैं इसका काउंट कराते हैं प्लेटलेट का, समझ आ गया? ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे जब हम मच्छर से काटने वाली होने वाली बीमारियां भी पढ़ेंगे, समझ आ गया बेटे? करेक्ट मैम, करेक्ट। ये हमारा थोड़ा सा प्लेटलेट्स के बारे में था। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जब मैं आपको कहती हूँ किसी का हीमोग्लोबिन बहुत कम है, पढ़ा था ना कि 10 ग्राम से कम हो तो हम उसको एनीमिया कहते हैं, अगर उससे थोड़ा मान लो 8 ग्राम है तो मैं सोचूंगी दवाइयों से ही ठीक हो जाए तो बेटर है, मैं आयरन के कैप्सूल्स और उसके साथ प्रोटीन्स खाने को दूंगी जिससे उसका हीमोग्लोबिन ऊपर आ जाए। पर मान लो किसी बच्चे का हीमोग्लोबिन बिल्कुल 3 से 4 ग्राम ही रह गया, पेट में कीड़े हैं, खाता पीता कुछ नहीं है, हीमोग्लोबिन बहुत कम है,
या कोई गर्भवती महिला है जिसको हीमोग्लोबिन बहुत कम है, तो ऐसे में हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। पर हमेशा बेटे हमारी कोशिश होनी चाहिए, आजकल कितनी बीमारियां हैं जो ब्लड के माध्यम से एक व्यक्ति को दूसरे में जाती हैं, और ये जब ब्लड के माध्यम से जाती हैं, ऑल्दो लेबोरेटरी वाले टेस्ट भी करके देते हैं कि इसमें ये बीमारी नहीं है। सबसे भयानक बीमारी कौन सी है? HIV एड्स। तो HIV एड्स की बीमारी ब्लड के थ्रू भी एक से दूसरे को जा सकती है। अगर मैंने किसी ऐसे व्यक्ति से ब्लड ले लिया जो HIV पॉजिटिव है और उसका ब्लड हमें चढ़ जाएगा, तो बिना बात के हम भी HIV पॉजिटिव हो जाएंगे। इसीलिए कभी भी ब्लड की जरूरत हो तो जो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक है, गवर्नमेंट के मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक है, जो कि गवर्नमेंट ने कहा कि ये बिल्कुल सेफ है इनका ब्लड, हमें वहीं से लेना चाहिए, प्राइवेट ब्लड बैंक से नहीं लेना चाहिए। प्राइवेट वाले सोचते हैं कि अगर सपोज करो ये अच्छा भला मुझे 5,000 दे रहा है, इसके अंदर थोड़ी बहुत बीमारी भी है और इसकी वजह से मैं इसको कंडम कर देता हूँ और नहीं लेता तो अपना 5,000 का नुकसान कर रहा हूँ ना, तो क्यों ना चलो थोड़ी बहुत, वैसे भी तो बीमारी किसी को हो ही सकती है। तो पैसे के लालच के पीछे कई बार फुल ब्लड टेस्ट भी नहीं हो पाता। तो इसीलिए गवर्नमेंट जैसे लॉयंस है, ऐसे हमारे और ब्लड बैंक्स हैं जो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है। तो ये जो हम ब्लड चढ़ाते हैं तो कई डिजीजेस में हमें चढ़ाना पड़ जाता है, या किसी का कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन होना है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि ऑपरेशन के टाइम हो सकता है ज्यादा ब्लीडिंग हो, तो इसलिए 1 या 2 बोतल का ब्लड का इंतजाम करके रखो। तो जो ब्लड का इंतजाम हम करते हैं, नेचुरल है किसी व्यक्ति से ही तो लेंगे ना, पेड़ों पे तो ब्लड लगता नहीं है। तो ऐसे में जो डोनर होता है वो हेल्दी होना चाहिए, अगर वो खुद ही बीमार है। पर सपोज करो बेटे, जैसे कि समझने के लिए अभी मैं ये उदाहरण से आपको ये समझाना चाह रही हूँ, ब्लड ये जो ब्लड ग्रुप होता है इसका मीनिंग क्या है। मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है और मेरा बहुत बड़ा सर्जरी होनी है, जैसे कि नी जॉइंट दोनों रिप्लेस कराए या हिप जॉइंट का, तो डॉक्टर्स को लगता है हो सकता है उस टाइम ब्लीडिंग हो तो ब्लड चाहिए होगा। तो वो क्या करते हैं कि या तो मेरे घर में से किसी व्यक्ति को डोनेट करता है, पर अगर उसका ब्लड ग्रुप डिफरेंट भी है तो ब्लड बैंक वाले क्या करते हैं, उसका वो वाला ब्लड की बोतल ले लेंगे और उसके एवज में जो ब्लड बैंक में बोतल है वो सेम ग्रुप की वो मुझे दे देंगे। समझने के लिए समझ लो, आप बैंक में 1,000 रुपया जमा कराते हो, नोट दे के आते हो, पर जब 1,000 रुपया वापस लेने आते हो तो वही नोट थोड़ी वो दे देते हैं, वो 1,000 के बदले आपको 1,000 के नोट दे देंगे, चाहे वो जो आपने दिए थे वो फर्क थे, पर ये वाले जो है हो सकता फर्क हो, पर वैल्यू तो सेम है ना, आपने दिए भी 1,000 थे मिले भी 1,000। अब आपने एक बोतल ब्लड दे दी और जब आपको चाहिए होगी तो वो एक बोतल ब्लड आपको वापस दे दे। तो पेशेंट को ब्लड वही चढ़ सकता है जो उसका ब्लड ग्रुप है। तो समझने के लिए बेटे ऐसे समझो, मान लो आपने जूता खरीदा, बाटा से जूता खरीदा, जूता टूट गया, तो आप अगर उसको रिलैक्सो को देने जाओगे तो वो तो ये कहना मेरे यहाँ का थोड़ी जूता, आप मेरे पास क्यों ले आए हो। तो इसी तरह हमारे ब्लड के ऊपर RBC जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स के ऊपर हमारे ब्लड की निशानी लगी हुई है। जैसे आप टेलर से कपड़ा सिलाते हो तो पीछे उसका टैग लगा होता है कौन सी कंपनी का है, या आप कपड़े कमीजें शर्ट्स खरीदते हो उसके पे भी टैग लगा होता है, तो वो टैग उस कंपनी की पहचान है। ऐसे ही हमारे ईटे खरीदने जाते हो तो भट्टे का भी नंबर लगा होता है, तो कोई किसी की चोरी करके ले जाए तो कहेंगे तो सही ना, ये तो मेरे भट्टे के देख नंबर लिखे हुए। इसी तरह हमारे ब्लड के ऊपर निशानियां लगी हुई। तो इसको बेटे अच्छी तरह समझने के लिए बड़ा आसान एग्जाम्पल दे रही हूँ, पर ये एग्जाम्पल आप फेयर कॉपी पे नहीं लिखोगे, ये आपको समझाने के लिए है। जैसे आपके पास जो हमारे पैसे होते हैं उनपे 2 रूप है, है ना, एक तो नोट होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, सिक्के होते हैं जिसको हम कॉइन कहते हैं। तो मान लो मेरे पास नोट है पर्स में और मैं उसको ए कहती हूँ, तो नोटों को मैंने क्या नाम दिया, ए, और सिक्कों को क्या नाम दिया, बी, ठीक है ना, सिक्कों को मैंने बी दिया। तो हमारे पास ए और बी है। तो एक लड़की से पूछती हूँ, भाई मुझे आपने पैसे देने हैं,
तो कहती है मैडम मेरे पास तो नोट है, तो नोट को क्या लिखूंगी मैं, ए, इसके पास ए है। दूसरी को पूछती है बेटे तुम्हारे पर्स में क्या है, कहती है मेरे पास नोट नहीं है मैडम सिर्फ सिक्के हैं, तो मैं उसको क्या नंबर दे दूंगी, बी। अब मैं तीसरे से पूछती हूँ भाई हाँ बता बेटे तेरे पास क्या है, वो कहती है मैडम मेरे पास तो नोट भी है और सिक्के भी हैं, जो मर्जी ले लो। तो इसके पास क्या हो गया, ए, और साथ में बी भी है इसके पास। और चौथे से पूछती है तेरे पास क्या है, वो कहता है मैं तो बैग लाना ही भूल गया, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है। तो कुछ पैसे नहीं है तो वो जीरो बोलते हैं, तो मैं इसको जीरो ना बोल के ओ बोलू। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी से मैंने चार ग्रुप बना लिए, पहला ग्रुप ए हो गया, दूसरा ग्रुप बी हो गया, तीसरा ग्रुप ए बी हो गया, और चौथा ग्रुप क्या हो गया, ओ ग्रुप। तो ए ग्रुप के पास ए की निशानी है, तो नेचुरली इसको ब्लड कौन सा चढ़ेगा, ए का, आगे जाके समझ दो। पहले बी ग्रुप में क्या है, बी की निशानी है, ए बी के पास ए की भी निशानी है, बी की भी निशानी है, और ओ ग्रुप के पास कोई निशानी नहीं है। जब उसके पास कोई निशानी नहीं है तो इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि तो इसके पास कोई निशानी ही नहीं है ना, तो इसीलिए उसको ओ ग्रुप का। तो अगर ए ग्रुप को ब्लड चाहिए, एक व्यक्ति है उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो इसको कौन सा ब्लड चढ़ेगा, या तो ए ग्रुप का चढ़ेगा या किसका चढ़ सकता है, ओ ग्रुप का, क्योंकि ओ के पास किसी भी ब्लड की निशानी नहीं है। तो ए ग्रुप वाले को ए का ब्लड चढ़ सकता है या ओ का चढ़ सकता है। अब आया बी ग्रुप, बी ग्रुप के पास कौन सा निशानी है, बी की, तो इसको बी का ब्लड चढ़ेगा या ओ का चढ़ सकता है, क्योंकि ओ के पास निशानी नहीं है। तो ए बी ग्रुप वाले को कौन सा ब्लड चढ़ सकता है, ए का भी चढ़ सकता है, बी का भी चढ़ सकता है, ए बी का भी चढ़ सकता है, और ओ का भी चढ़ सकता है, समझाया। तो ए बी ग्रुप वाला एक ऐसा है जिसको किसी किसी भी पेशेंट का, किसी भी व्यक्ति का ब्लड चढ़ सकता है, क्योंकि इसके पास ए की भी निशानी है और बी की भी निशानी है। अब आया आपका ओ ग्रुप, अब ओ ग्रुप के पास कोई निशानी नहीं है, तो इसको सिर्फ जो ब्लड है ओ का ही चढ़ सकता है, ए बी का नहीं चढ़ सकता। अगर मैंने ए ग्रुप को चढ़ाया तो उसके पास तो कोई निशानी नहीं है, रिएक्शन कर देगा। बी ग्रुप का चढ़ाती हूँ तो भी रिएक्शन कर जाएगा, ए बी का चढ़ाती हूँ तो भी रिएक्शन। तो ओ ग्रुप वाले को सिर्फ ओ का ही ब्लड, और फिर ए बी वाले को मैम ऑल ग्रुप का चढ़ जाएगा ना, ए बी वाले को। हाँ, इसी तरह, इसीलिए मैं अभी मैं आप पॉजिटिव नेगेटिव की अभी मैंने बात नहीं की, अभी मैंने ग्रुप्स की बात की है। तो इसके में आप देखो कौन सा एक ब्लड ग्रुप है जो सबको ब्लड दे सकता है, कौन सा ग्रुप है, ओ ग्रुप। ओ ग्रुप ने ए को भी ब्लड दिया, बी को भी चाहिए तो दे सकता है, ए बी ग्रुप को भी चाहिए तो दे सकता है, ओ ग्रुप वाले को चाहिए तो भी दे सकता है। तो ओ ग्रुप वाला यूनिवर्सल डोनर है, डोनर में जो देता है, हम कहते हैं ना हमारी संस्था का डोनर कौन है, मतलब देने वाला कौन है, डोनर मीन्स डोनेट करना, डोनेट मैंने देना। तो ओ ग्रुप वाला यूनिवर्सल मीन्स पूरी यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में किसी को भी ब्लड, ओ ग्रुप वाला किसी को भी ब्लड दे सकता है, समझ आ गया। और कौन सा एक ग्रुप है जो सबसे ब्लड ले सकता है, ए बी ग्रुप। ए बी ग्रुप ऐसा सेल्फिश ग्रुप है, सबसे ब्लड ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ओ से भी, क्योंकि उसके पास दोनों ग्रुप्स की निशानियां हैं। तो दो ग्रुप की निशानियों से हमारे चार ब्लड ग्रुप्स बन गए, और हमने पढ़ लिया कि ओ ग्रुप वाला सबको ब्लड दे सकता है और ए बी ग्रुप वाला सबसे ब्लड ले सकता है। तो इसीलिए ए बी ग्रुप वाले को हम यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं, रिसीव मैंने लेना। तो ए बी ग्रुप वाला यूनिवर्सल रिसीवर है और ओ ग्रुप वाला यूनिवर्सल डोनर है। तो अगर हम किसी को गलत ब्लड चढ़ा देंगे तो उसके रेड ब्लड सेल सारे टूट जाएंगे। तो रेड ब्लड सेल्स का क्या काम है, ये हमारे ऑक्सीजन का वाहक है। तो जैसे आरबीसी टूट जाएगा पेशेंट सांस नहीं ले जाएगा, सांस घुट जाएगा पेशेंट मर जाएगा। तो इसीलिए जब बेटे हम किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं तो ये डॉक्टर की ड्यूटी बनती है, और जिन लोगों ने ब्लड भेजा
उनकी ड्यूटी बनती है कि क्रॉस मैच करें, ब्लड ग्रुप तो चेक करें ही करें, फिर उसके बाद पेशेंट का ब्लड जो आया था और जो ब्लड हम भेज रहे हैं दोनों को मिक्स करके वहीं अपनी लेबोरेटरी में देखें कि रेड ब्लड सेल्स कहीं टूट तो नहीं रहे हैं। तो अगर टूट जाएंगे तो इसका मतलब इनकम्पेटेबल है, ब्लड एक दूसरे का मैच नहीं करता। तो आप सोचेंगे कि मैडम ये हमें अपना ब्लड ग्रुप क्यों पता होना चाहिए? तो आप ये सोचिए, अगर मुझे अपना ब्लड ग्रुप पता है, भगवान ना करे मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो ब्लीडिंग होगी, तो डॉक्टर्स कहेंगे ना कि इनके लिए 2 बोतल खून का इंतजाम करो। तो अगर मुझे अपना ब्लड ग्रुप ही नहीं पता तो पहला वो मेरा ब्लड लेके टेस्ट के लिए भेजेंगे, फिर मैं जाके ब्लड बैंक से पूछूंगी कि इस ब्लड बैंक का ब्लड किसके किसके पास है। तो अगर हमें अपना ब्लड ग्रुप पता हो तो हमें ब्लड देने में भी आसानी है, या मैं अपने किसी साथी की जान बचाना चाहती हूँ तो भी मैं अपना दे दूंगी। कई बार आप टीवी पे देखते हो मैसेज आता है कि एक पेशेंट डेंगू का है, इतने साल की उसकी उम्र है, 2 छोटे उसके बच्चे हैं, उसको बी ग्रुप का ब्लड चाहिए और वो अवेलेबल नहीं है। आप में से किसी का भी ब्लड ग्रुप बी हो तो फटाफट इस नंबर पे संपर्क करें, ठीक है। आप में से कहीं ये सोचेंगे कि अगर हम ब्लड डोनेट कर देंगे, अपने शरीर में से दे देंगे तो हमारे में नहीं कमी हो जाएगी? बेटे ये हमारे भगवान ने हमें ये दिया हुआ है, जो ब्लड हम किसी को देते हैं वो हमारे 24 या 48 घंटे में उसकी पूर्ति हो जाती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, बड़ा साधारण सा एग्जांपल है, आप कहते मम्मी मैं रोज स्कूल जाती हूँ और वो ट्यूशन के लिए भी जाना होता है, लड़कियां अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आती हैं, तो मम्मी आपको 7 सूट सिला देती है कि बेटे रोज एक सूट बदल के जाना। अब उसमें से जब सूट घिस जाते हैं तो आप कहते हैं मैं 2 तो किसी और लड़की को दे देती हूँ। अब आपके पास कितने बचे? 5। तो मम्मी फिर 2 नए सिला देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हमारे पुराने चीजें निकल जाती हैं तो हमारा शरीर नई चीज बना देता है। जो नए सेल्स बन के आएंगे वो नेचुरल ज्यादा अच्छे होंगे। तो नेचुरल अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमें जो है कोई प्रॉब्लम या बीमारी नहीं हो जाएगी, हमारी बॉडी नए ब्लड सेल्स बना देगी आरबीसी, जिससे कि हमारे शरीर में जो खून की हम सोचते हैं कमी आएगी वो पूर्ति हो जाएगी। 3 महीने के बाद हम दोबारा भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ये नहीं कि मैंने आज किया तो 4 दिन के बाद फिर करने चले जाऊं। तो ये बेटे मैं इसलिए समझा रही हूँ, अगर हम मान्यता प्राप्त से नहीं लेते तो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो काम धंधा कुछ नहीं करे, बुरी आदतें पड़ी हुई हैं, नशे की पड़ी हुई हैं, स्मैक पीने की पड़ी हुई हैं या और गंदी आदतें हैं, तो वो कहते हैं कि मैं काम धंधा तो करता नहीं, पैसे तो कहीं से है नहीं मेरे पास, तो वो अपना ब्लड बेचने चला जाता है, ब्लड डोनेट करता है, तो प्राइवेट ब्लड बैंक के पास चला जाता है। तो आज अगर इसके पास गया, मान लो मानेसर में किसी ब्लड बैंक को दिया, 5 दिन बाद दूसरे किसी ब्लड बैंक पे पहुंच जाएगा, और वहां के भी लोग जो हैं उनके दलाल बैठे होते हैं, कहते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है, 1 बोतल में हमें 4,000 मिल रहे हैं, कुछ उसको पेशेंट को दे देंगे कुछ खुद रख लेंगे। दुनिया में बेटे हर तरह के लोग। तो इसीलिए कभी भी हमें ब्लड चाहिए वो मान्यता प्राप्त ही ब्लड बैंक से लेना चाहिए। इसमें एक चीज और भी है जो बड़ी अच्छी चीज है, मैंने अपने जब ऑपरेशन कराना था तो मैंने यही काम किया। 1 महीना पहले मुझे पता चल गया था कि मैंने ऑपरेशन कराना, डेट्स भी मिल गई, तो मैंने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब मैंने बाहर से ब्लड नहीं लेना, आप मेरे शरीर से 1 बोतल ब्लड ले लो, मेरा हीमोग्लोबिन 13-14 ग्राम है, बहुत अच्छा हीमोग्लोबिन है, कोई कमजोरी नहीं है, तो मेरे शरीर से ब्लड में 1 बोतल ब्लड ले लो, ब्लड बैंक में रखवा दो, और अगर मुझे जरूरत पड़े तो मेरा ही ब्लड मुझे दे दे चढ़ा देना, जिसमें मुझे ये खतरा तो नहीं है ना किसी दूसरे से बीमारियां लग जाएंगी या कुछ हो जाएगा। और 1 महीना मैं अच्छी खुराक खाऊंगी, आयरन के कैप्सूल खाऊंगी, जो ब्लड देने से थोड़ी बहुत कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। तो ये है कि नहीं अच्छा तरीका? शायद आपने आज तक ये नहीं सुना होगा, इसको कहते हैं सेल्फ डोनेशन। सेल्फ मैंने अपने आप, डोनेशन मीन्स देना, सेल्फ डोनेशन। तो सेल्फ डोनेशन का भी आजकल एक मेथड चला। तो चलो इतना तो समझाया, इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, ये ब्लड ग्रुप कराना क्यों जरूरी है? अब हमने पढ़ा ए ग्रुप वाले को ए ग्रुप का ही मान लो ब्लड चढ़ता है। अब मैंने एग्जाम्पल एक पेशेंट का लिया
वो कहता मैडम आपने मुझे ए ग्रुप हूँ और आपने मुझे ए ग्रुप का ही ब्लड चढ़ाया, पर जैसे ब्लड चढ़ाया उसको तो रिएक्शन हो रहा है, उसको तो झाड़ा लग रहा है, मैंने फटाफट मान लो उसको बंद कर दिया। इसका मतलब कोई और प्रॉब्लम भी है, जब ये मतलब आज से कितने साल पहले की बात। तो वो देखते हैं कि ए ग्रुप वाले को ए का ही ब्लड चढ़ाओ फिर भी रिएक्शन हो रहा है 3% लोगों को, इसी तरह बी ग्रुप वाले को बी ग्रुप का पढ़ाया चढ़ाया तो भी 3-4 लोगों को कुछ रिएक्शन हो गया। तो इसका मतलब हमारे ब्लड ग्रुप में कोई और चीज भी है जो रिएक्शन कर। तो हम इंसानों पे तो प्रैक्टिकल नहीं ना करके दे सकते, तो मनुष्य की जिंदगी के साथ जो सबसे नजदीक जानवर कौन सा है, गोरिल्ला। पर आजकल गोरिल्ला इतने कहां से मैं ढूंढ के लाऊंगी, तो उन्होंने किस पे टेस्ट किया, बंदरों पे। जो बंदर और इंसान जो हैं तकरीबन इनके ब्लड में काफी सिमिलैरिटी है। तो पुराने जमाने के लोग कहते थे इसको गलती से ना बंदर का ब्लड चढ़ दिया इसीलिए रिएक्शन, जिसको कहते हैं इसीलिए बंदर की तरह ये नाच रहा है, पर वो ये नहीं समझते कोई और प्रॉब्लम भी तो हो सकती। तो जब उन्होंने बंदर के रेड ब्लड सेल्स टेस्ट किए, ये बेटे आपको समझ आना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से हमें प्लस और माइनस की समझ आएगी और इसकी क्या वैल्यू है ये भी मैं 2 मिनट में आपको समझा दूं। तो जब उन्होंने बंदर का ब्लड टेस्ट किया तो उन्होंने उसका ब्लड ग्रुप मान लो ए या जो भी था, पर उन्होंने देखा कि उसके रेड ब्लड के सेल्स के ऊपर एक पूंछ की तरह एक निशान भी बना हुआ। 100 में से 96 लोगों के ब्लड के ऊपर ये निशानी बनी हुई थी और 4% ऐसे थे जिन पे निशानी नहीं बनी हुई थी। तो जिन पे निशानी लगी हुई थी उनको कह दिया पॉजिटिव और जिन पे निशानी नहीं लगी हुई थी उनको कह दिया नेगेटिव। तो इसका मतलब जो ए ग्रुप है हमारा, इसके कितने तरह के पेशेंट्स हो सकते हैं, ए ग्रुप में कुछ ऐसे होंगे जिनमें वो निशानी लगी होगी तो उसको हम ए प्लस कह देंगे और जिनमें निशानी नहीं लगे होगी उसको ए नेगेटिव कह देंगे। इसी तरह बी ग्रुप है, बी ग्रुप में जिसमें निशानी लगी होगी उसको बी पॉजिटिव कहेंगे और जिसमें निशानी नहीं लगी उसको बी नेगेटिव कहेंगे। इसी तरह ए बी ग्रुप है, जिसमें निशानी लगी है वो ए बी पॉजिटिव हो गए, जिसको निशानी नहीं लगी वो ए बी नेगेटिव हो गए। इसी तरह ओ ग्रुप है, जिसमें निशानी लगी है वो ओ पॉजिटिव हो गए, जिसमें नहीं है वो नेगेटिव। अब मैं निशानी थोड़ी बोलूंगी, तो बंदरों को हमारे डॉक्टरी भाषा में रीज सॉस कहते हैं। सॉस होता ना समोसे पे लगा खाते हो तो रीज आगे लगा लेना, रीज सॉस। तो हम क्या बोलते हैं, रीज सॉस फैक्टर। तो इसका मतलब अगर मैं ब्लड टेस्ट के लिए भेजूं ब्लड ग्रुप के लिए तो मैं क्या लिखूंगी, शांति का ब्लड ग्रुप करो और साथ में रिसोर्स फैक्टर, यानी ये आरएच पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इसका मतलब 4 ब्लड ग्रुप से हमारे कितने बन गए, 8 ब्लड ग्रुप। जैसे ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, 4 तो ये हो गए, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। इसका मतलब नेगेटिव वाले पास निशानी नहीं है। तो अगर नेगेटिव वाले को मैं पॉजिटिव वाला ब्लड चढ़ा दूं, कौन सा, आरएच वाला। अब हमें पता है ना जैसे कि ओ ग्रुप है, इसके पास कोई निशानी नहीं है पर इसका ब्लड सबको चढ़ सकता है, पर मुझे ये भी तो देखना है कि ये ओ पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव है। तो अगर पॉजिटिव वाले को नेगेटिव का चढ़ा दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर नेगेटिव वाले को पॉजिटिव का चढ़ा दूंगी तो रिएक्शन होगा, क्योंकि जो मैंने ब्लड चढ़ाया उसमें उसकी निशानी है और पेशेंट के पास आरएच की निशानी नहीं। तो रिएक्शन दोनों से हो सकता है, आरएच से भी हो सकता है और ब्लड ग्रुप से भी हो सकता है, समझ आया। तो इसीलिए जब गर्भवती महिला का हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हम उसको लिख के भेजते हैं कि हमें ये बताइए कि ये जो महिला है आरएच पॉजिटिव है या आरएच नेगेटिव। आप कहेंगे मैडम ये क्यों जरूरी है, पहले जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं होता था, चलो औरत का जमा करा लिया। अब सपोज करो एक गर्भवती महिला है, गर्भ में बच्चा है, बच्चा किससे बनता है, उसके कुछ अंग या पार्ट्स जो है हस्बैंड से होते हैं, कुछ महिला के होते हैं, तो मिलन जुलन से ही तो बच्चा बनता है ना, मेल और फीमेल के जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके मिलने से। तो अगर सपोज करो माँ आरएच नेगेटिव है, माँ का ब्लड ग्रुप आता है
आरएच नेगेटिव, ठीक है, और उसके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप जो है वो आरएच पॉजिटिव है। अब जो गर्भ में बच्चा है हो सकता है वो अपने पिता वाला आरएच वाला ग्रुप ले ले, और माँ में कौन सा है, नेगेटिव है, तो जो गर्भ में पल रहा बच्चा होगा उसके रेड ब्लड सेल्स टूटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसके ब्लड में पिता के भी कण है जो कि आरएच पॉजिटिव है, तो बच्चे को गर्भ में ही पीलिया हो जाएगी, और पीलिया होने से क्या होगा, बच्चा मर जाएगा। तो पेशेंट उसे बताती है, डॉक्टर साहब मेरे को 5 बार गर्भ ठहरा, पांचों बार जैसे ही 5वां 7वां महीना लगता है मेरा गर्भपात हो जाता है और बच्चा जो होता है उसको पीलिया हुआ होता है, तो मुझे क्या जानना चाहिए कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है। अब अगर उसका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो मैं उसके हस्बैंड का भी ब्लड ग्रुप कराऊंगी, तो घर वाले क्या बोलते हैं, लो ये पैसा कमाने का तरीका बना लिया इन लोगों ने, गर्भ तो माँ को ठहरा है, ये तो पति का ब्लड ग्रुप करा दिए डॉक्टर, ठीक है ना। तो मैंने किस लिए कराया कि उसके ब्लड ग्रुप का पता चले। तो अगर सपोज करो हस्बैंड भी आरएच नेगेटिव है तो कोई फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, रिएक्शन कोई नहीं करेगा। अगर हस्बैंड आरएच पॉजिटिव है तो अब क्या करें, पति थोड़ी बदलने जाएगी, तो हमारे पास एक दवाई होती है, इंजेक्शन है, अगर मैं माँ को वो इंजेक्शन लगा दूं तो गर्भ में पल रहे बच्चे को रिएक्शन नहीं होगा और बच्चे को पीलिया नहीं होगा और बच्चा बच जाएगा। तो बताइए जानकारी जरूरी है कि नहीं, तो आप ये समझ लो अगर माँ आरएच पॉजिटिव है तो हस्बैंड का ब्लड ग्रुप कराने की जरूरत नहीं है, अगर माँ नेगेटिव है तो उसके पति का भी ब्लड ग्रुप कराएंगे, और अगर पति जो है नेगेटिव है कोई फिक्र की बात नहीं क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, और अगर पति पॉजिटिव है और माँ नेगेटिव ग्रुप की है तो फिर हम उसको एक इंजेक्शन लगा देते हैं, 4,500 या 5,000 का आता है, माँ को लगाएंगे ताकि उस इंजेक्शन से बच्चे को दवाई पहुंच जाती है और बच्चे को पीलिया नहीं हो। उस इंजेक्शन को गामा ग्लोबुलिन या रोहोलिन कहते हैं इंजेक्शन का नाम। तो अब आपको कितनी बड़ी जानकारी मिल गई, आप नर्सिंग का कोर्स कर रहे हो, आपकी पड़ोसन कहती है दीदी आप तो नर्स का जानते हो, ये देखो डॉक्टर ने आपके भैया का भी टेस्ट लिख दिया, है ना, प्रेगनेंसी तो मुझे है और घर में हमारी लड़ाई हो रही है, तो आप समझाओगे नहीं डॉक्टर मैडम ने ठीक किया, जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उसके कुछ अंग फादर से आते हैं कुछ मदर से, तो आप तो नेगेटिव हो और अगर भैया पॉजिटिव होंगे तो बच्चे पे उसका पीलिया होने का असर आए, क्योंकि वो रेड ब्लड सेल्स को तोड़ देगा, और अगर मैं इंजेक्शन लगवाती हूँ तो बच्चा बच जाएगा। तो 5,000 क्या बच्चे की कीमत भी नहीं हम सोचेंगे, है ना, तो इसलिए आप उसको समझाते हुए ये कहेंगे। तो ये बेटे सबको समझ आई अजय? हाँ मैम। मैम एक चीज ये पूछना था, ये लोग जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम ये लोग किसी को यदि बताएंगे तो एग्जैक्ट वो टेस्ट का नाम क्या बोलेंगे, किसी को प्रॉब्लम है तो कौन सा टेस्ट वो आनी, हमने यही बोला ना ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर। एग्जैक्टली आरएच फैक्टर, ओके। हाँ आरएच ब्लड ग्रुप पॉजिटिव का है या नेगेटिव का है ना, तो उसको अगर आरएच फैक्टर नहीं भी कह सकते हो तो रिसोर्स फैक्टर, रिसोर्स जरा बोलना हमें मुश्किल लगता है, तो हम यही कहेंगे प्लस माइनस का हमने ब्लड ग्रुप पता कर, ठीक है ना। तो वो डॉक्टर्स ही लिख के भेजते हैं कि ये गर्भवती महिला का हीमोग्लोबिन करा दो और साथ में ब्लड ग्रुप और इसका आरएच, ये लिख देते हैं आरएच, आर कैपिटल आर होता है, एच छोटा वाला, रिसोर्स फैक्टर, रिसोर्स नहीं तो आरएच ही लिख दो सिर्फ, ब्लड ग्रुप एंड आरएच, तो अपने आप लिखेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। समझ आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी बेटे। तो ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव होता है तो वो सही है, नेगेटिव होता है तो प्रॉब्लम है, नेगेटिव हो तो फिर हस्बैंड का भी टेस्ट कराना पड़ेगा, और अगर हस्बैंड भी नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर हस्बैंड पॉजिटिव है तो फिर माँ को एक इंजेक्शन लग जाता है, वो डॉक्टर्स ही बताएंगे, जो रोहोलिन नाम है, ROHLIN रोहोलिन। तो इतना इनको जानने की जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ ये जानना चाहिए कि ब्लड ग्रुप के साथ साथ आरएच भी टेस्ट कराना चाहिए, यानी प्लस का ब्लड है या माइनस का ब्लड है। समझ आ गया। तो जैसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी लेते हैं एक बोतल, तो आमतौर पे जो बोतल हम ब्लड ग्रुप की लेके आते हैं तो मुझे ब्लड ग्रुप भी लिखना पड़ेगा, पेशेंट क्या क्या है, आरएच पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये भी लिखना पड़ेगा, और मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख के भेजना है,
मान लो वार्ड में दो लेडीज हैं, दोनों का नाम सीता है, तो अब क्या पता ये ब्लड जो है कौन सी सीता का है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर किसके इक्विवेलेंट है, रोल नंबर के। और फिर उस पे पूरा एड्रेस भी होगा कि ये सीमापुरी से है या ये मानेसर है या ये गुड़गांव से है। तो जो वो ब्लड बेटे दे के भेजते हैं नेचुरल वो बर्फ में रख के भेजेंगे, ये तो ब्लड खराब हो जाता है। और ब्लड उसको तब तक नहीं चढ़ सकता जब तक कि वो बर्फ में घर तक लाने के लिए फिर वो उसको टेबल पर रख देते हैं ताकि वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स है ना बेटे, कई बार समझने की कोशिश ही नहीं करते। मेरे साथ भी बहुत बार वार्ड में ये हुआ, डॉक्टर साहब ने मंगा तो लिया, अब एक घंटे से ब्लड टेबल पर पड़ा है, अब कोई जल्दी नहीं है जी लगाने की, हमें तो मंगा दिया अभी लेके आओ, और अब टेबल पे पड़ा है चढ़ा ही नहीं रही है, इधर उधर के कामों में बिजी है। मैंने क्यों रखा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आ जाए। ठंडा ब्लड चढ़ाऊंगी तो पेशेंट को जाड़ा लगना शुरू हो जाएगा। पेशेंट सोचता है मेरे से भी होशियार है, मैडम कहती है कि थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, ये पानी ना थोड़ा गर्म कर लेते हैं, बोतल उसमें रख देते हैं। बड़े गांव वाले पेशेंट या दूसरे बेटे मैं क्या बताऊं, हम डॉक्टरों को भी फेल कर देते हैं, ऐसे ऐसे कारनामे करेंगे। तो वो क्या करेंगे, गर्म पानी करके, जैसे घर में कोई चीज हो तो बर्फ में रखी हुई है तो पिघलाने के लिए हम गर्म पानी, तो ब्लड को थोड़ी तुम गर्म पानी में रख दोगे कि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो ये सब नर्सेस को पता होना चाहिए कि ब्लड हमने सिर्फ टेबल पे रखना है ताकि वो रूम टेम्परेचर में थोड़े टाइम में आ जाए। फिर उसके बाद उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब करेंगे तो पर्टिकुलर्स बड़े ध्यान से पढ़ेंगे कि सेम नाम हो, हस्बैंड का रजिस्ट्रेशन नंबर, ब्लड ग्रुप, सब चीजें मैच करती हूँ, तब हम उसको ब्लड चढ़ाए। तो जो ब्लड चढ़ाते हैं ना बेटे, इसका ड्रिप सेट भी अलग किस्म का होता है। सिर्फ उसके ड्रिप सेट में एक छोटी सी छन्नी लगी होती है ताकि ब्लड में अगर ठंड की वजह से कोई क्लॉट सा आ जाए, जम जाए, तो क्लॉट छन्नी में रह जाए, खून की नाड़ी में मत जाए। तो ये बेटे आज तुम्हारा मैंने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम खत्म किया और साथ में हीमोपेटिक सिस्टम भी खत्म हो गया, ब्लड के बारे में पूरी जानकारी ले ली, ब्लड ग्रुप में भी। तो क्या ये बेटे अच्छा नहीं है कि अगर कभी हो सके तो हमारे जितने भी मानेसर के लोग हैं या जो लेडीज हैं 40 साल से नीचे की उम्र है और 18 साल से, उनका ब्लड ग्रुप हमें पता हो, कि भगवान ना करे कभी ब्लड चाहिए हो तो हमारे पास इस लिस्ट ग्रुप में पता है कि बी ग्रुप वाले ये हैं, ए ग्रुप वाले ये हैं, तो डोनर हम फर्द ढूंढ सकते हैं। तो हमें ये भी पता है कि ये जो हमारे पड़ोस का रामलाल था इसका ब्लड ग्रुप क्या है, चाहे उसको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता पर आपकी कम्युनिटी का आपको उसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो हम उसी ग्रुप के ब्लड ढूंढेंगे। अगर नहीं है कम्युनिटी में तो जो ब्लड बैंक है उनसे फोन करके पूछ सकते हैं कि आपके पास बी पॉजिटिव का ब्लड है कि नहीं या बी नेगेटिव का ब्लड है कि नहीं। तो ब्लड ग्रुप जानने से बेटे हमें बहुत बातों का आराम भी मिल जाता है और पेशेंट की जान भी बच जाती है। समझ आया सब लोगों को? बहुत अच्छा मैम। मैम इसमें ये है कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है कि हम लोग जितने भी हैं तारू मानेसर सोनीपत है, हम उनसे लिस्ट ले लेंगे कौन से ग्रुप है उन लोग के ए है, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड में रहे, किसी को जरूरत हो तो बाहर से लेने की जरूरत नहीं, हमारे इंटरनली हमारे कम्युनिटी से लोगों को हेल्प हो जाएगा। दे सकते हैं। बहुत अच्छा मैम। तो मैम कितने यूनिट लेने चाहिए किसी एक? 350 होता है, सबको लिख लो 350 ना ml। ये 500 ग्लूकोज वाली बोतल नहीं है, बच्चे अगर हैं तो उसमें कम चढ़ता है ना। ये हमारा ब्लड ग्रुप ये है, ब्लड ग्रुप का, और ब्लड डोनेशन ऐसे लेते हैं और इसकी फटाफट रिकवरी भी हो जाती है, 3 महीने बाद दोबारा भी डोनेट कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये हमें बहुत समझदारी, और ये आप ये भी लिख सकते हो जब आप अपना ये अमेज़न को या किसी को अपनी रिपोर्टिंग करते हो, तो मैडम ने ये भी समझाया कि ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, ब्लड डोनेशन के क्या क्या फायदे हैं, और हम लोगों ने सजेस्ट किया। तो इसके लिए आप गवर्नमेंट वालों से भी टाई अप कर सकते हो, हॉस्पिटल्स वालों से, कि हम 10-10 पेशेंट मान लो लेके आते हैं, आप इनका ब्लड ग्रुप टेस्ट कर दो, या कई बार उनको ही अपने वहां बुला लो कि यहाँ आके गांव में सारे जो लोगों ने जाना है तो एक दिन आप अपने सेंटर पे उनको बुला के ब्लड। अगर बेटे कहोगे ना तो मेरे तो कई पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गुरुगावा में
फोर्टिस में भी काम करते हैं और कौन कौन से वेदांता में भी करते हैं। तो अगर आप कहोगे तो मैं उससे भी बात कर लूंगी, रिएजेंट्स बाजार से खरीद के मिनिमम से मिनिमम पैसों में ब्लड टेस्ट हो जाए, ब्लड ग्रुप टेस्ट हो जाए, गवर्नमेंट वाले तो फ्री कर देते हैं। तो कम से कम गर्भवती महिला ये लड़कियों को तो कराओ जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की है, उनमें एनीमिया तो नहीं है और ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो ये बेटे हमारा आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है, क्वेश्चंस मैंने सारे दे दिए थे, अब आप इनको लिख सकते हो कि ब्लड ग्रुप कितनी तरह के होते हैं, उसके चार्ट बना लो। ए ग्रुप के दो होंगे, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव। और हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, मतलब जो स्टूडेंट है उसका ब्लड ग्रुप क्या है और उसका हीमोग्लोबिन क्या है, इन सारे स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में जाके अपना हीमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुप टेस्ट। ठीक है मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, यू कैन कंक्लूड टुडे सेशन।